हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो आज यहाँ पे एक वीडियो है जो कि टी स्कोर कैसे चेक करेंगे टेक्स्ट बुक ऐप पे, उस पर ये वीडियो है क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि टेक्स्ट बुक ऐप पे टी स्कोर चेक नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे स्कोर को आपको चेक करना है, लैपटॉप पर चेक करना है या फिर जो टेक्स्ट बुक ऐप है मोबाइल में उस पर चेक करना है। तो जैसा कि हम मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए रखे, तो मैंने यहाँ पे अभी तक 3 मॉक इसके फुल लेंथ वाले अटेम्प्ट किए हैं। तो जिसमें मैंने देखो जो फ्री वाला मॉक टेस्ट है इसका फुल लेंथ का, तो उसमें तो इन्होंने टी स्कोर नहीं दिया है, ठीक है। तो जो इन्होंने बाकी के 1 और 2 है उसमें टी स्कोर इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन वो भी पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, पर्सनालिटी टेस्ट को छोड़ दिया है इन्होंने, ठीक है। तो बाकी जो 4 टेस्ट हैं उसका इन्होंने टी स्कोर निकाल के दिया है। तो देखेंगे क्या मतलब टी स्कोर रह रहा है, किस बेसिस पे निकाला जा रहा है और कितना आखिर बन रहा है मेरा टी स्कोर। तो मैं आपको यहाँ पे 2 का टी स्कोर दिखाऊंगा जो मैंने 2 और मॉक टेस्ट 2 और 3 का अभी तक लगाया है, तो मैं उसका टी स्कोर यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको बताऊँ कैसे चेक करना है टी स्कोर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें, इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर साइको टेस्ट में मार्क्स लाना कितना टफ हो गया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने 2 टेस्ट का, तो उसमें क्योंकि आप अगर फुल मार्क्स भी मतलब अगर फुल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं सारे और सारे सही भी होते हैं तब भी आपका टी स्कोर क्या रहेगा। और कुछ 2 टेस्ट में दिखाऊँगा दोनों का अभी डिफरेंस देखिएगा आप लोग कि मैं क्या उसका टी स्कोर में अंतर रहा है दोनों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको पहले अपने दोनों का टी स्कोर दिखाता हूँ, पहले मॉक का फिर दूसरा के दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक तो इसके फुल लेंथ जो मॉक हैं वो अभी 3 अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका स्कोर यहाँ पे दिखा रहा होगा कि यहाँ पे पहले जो फ्री वाला है प्रैक्टिस सेट 1 में, तो यहाँ पे मेरा 128 है आउट ऑफ 130 और रैंक मेरी यहाँ पे 292 थी जिसमें लगभग 22,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया अभी तक। और इसमें मेरा जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है इसमें 126 था आउट ऑफ 130 और यहाँ पे मेरी रैंक है 1700, ठीक है, आउट ऑफ 16,000। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट जो 3 है इसमें मेरी रैंक 127 आउट ऑफ 130, मेरा स्कोर जो है 127 आउट ऑफ 130 और यहाँ पे रैंक मेरी 550 है। तो यहाँ देखिए इसमें तो टी स्कोर नहीं दिया गया पहले वाले में, ठीक है। तो इन्होंने सेकंड और थर्ड में प्रैक्टिस सेट में इन्होंने टी स्कोर कैलकुलेट किया है। तो देखिए जो टी स्कोर है ये अभी ये हालांकि मैं अटेम्प्ट तो लैपटॉप पे करता हूँ, फ़ोन पे नहीं करता हूँ मॉक टेस्ट का, तो टी स्कोर ये लैपटॉप पे शो नहीं कर रहा है इस समय, ठीक है। तो ये ऐप में ही दिखाएगा, तो मैं आप इसलिए ऐप से ही दिखा रहा हूँ, तो आप लोग वहीं से चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इसका प्रैक्टिस सेट 1 अभी ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा स्कोर और परसेंटाइल इसमें क्या रहा आखिर। तो देखिए इसमें मेरा जो स्कोर था 128 था, तो देखिए यहाँ पे भी कहीं भी टी स्कोर आपको नज़र नहीं आएगा। तो जो कि इसमें परसेंटाइल भी तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा था, 98.72 था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी क्योंकि जब तक टी स्कोर आपको नहीं मालूम पड़ेगा तब तक जान नहीं पाएंगे अभी। तो ये सेक्शनल सब दिखाया गया यहाँ पे। तो देखिए इसमें अभी कोई स्कोर कैलकुलेट नहीं होता है और ना ही इसका भी इन्होंने टी स्कोर बना, क्योंकि टी स्कोर इन्होंने सिर्फ 4 टेस्ट का इन्होंने कैलकुलेट किया है अभी तक, तो अभी वो दिखाऊंगा मैं। तो इसमें पहले टेस्ट में आपको टी स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप सेकंड में ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए अब ये वाला सेकंड वाला ओपन करना है, तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसमें टी स्कोर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंड वाला मॉक टेस्ट है इसका फुल लेंथ का, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे टी स्कोर दिखा रहा है ओवरऑल लगभग 222 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि अभी कंपैरिजन करना, तो ये सेकंड वाला भी इसके बाद थर्ड वाला मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्कोर जो था 126 था आउट ऑफ 130 और जो यहाँ पे परसेंटाइल देखिए 89.48 आ गया, तो परसेंटाइल इसमें डाउन हो गया है हमारा। तो अब इसका मैं टी स्कोर सेक्शनल दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट था तो उसमें देखिए 55.8 बना है और सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में 56.2 बना है और स्पेटियल स्कैनिंग और शॉर्ट टेस्ट रूट में तो इसमें ये स्कोर बना है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में ये स्कोर टी स्कोर बना है हमारा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अटेम्प्ट किस में कितना किया था और कितना राइट हो उस हिसाब से मैं बताऊँगा। तो देखिए मेरा जो ये स्पेटियल स्कैनिंग था यानी शॉर्टेस्ट रूट वाला, इसमें 40 आउट ऑफ 40 मैंने अटेम्प्ट किया था और इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट में भी 35 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किया था और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में भी 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट किया, इसमें भी मैंने
सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में क्या था, मेरे क्वेश्चन कुछ छूट गए थे तो वो मैं नहीं कर पाया था। तो देखिए यहाँ पे 27 में क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे टोटल, जिसमें से मेरे, अब देखिए, जिसमें से मेरे सेलेक्टिव अटेंशन में 26 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, और स्पेटियल स्कैनिंग में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 के 40 सही थे, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के 25 के थे वो भी सारे सही हैं, और इंटेलिजेंट टेस्ट में वो भी सारे क्वेश्चन सही हैं मैंने। अब देखिए दोनों का मैं टी स्कोर कंपेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन है और यहाँ पे स्पेटियल स्कैनिंग। मैंने देखो सारे क्वेश्चन इसमें सारे अटेम्प्ट भी किए थे इस शॉर्टेस्ट रूट वाले, और इसमें सारे मेरे वो स्कोर भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन टी स्कोर अगर देखेंगे इन दोनों का कंपेयर करके, सेलेक्टिव अटेंशन का स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट का, तो देखिए क्या डिफरेंस है, सेलेक्टिव अटेंशन का मेरा टी स्कोर ज़्यादा है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट रूट का इस टी स्कोर जो है वो कम है, बल्कि सारे क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे शॉर्टेस्ट रूट के, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन मेरे छूट गए थे सेलेक्टिव अटेंशन में, तब भी इसका टी स्कोर ज़्यादा हुआ है। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि टी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है आखिर, तो ये तो पता ही नहीं लगा सकते। अब सोचिए इस हिसाब से कितना टफ है कि आप साइको टेस्ट में एक स्कोर अच्छा कर पाओ, क्वालिफाई कर लो, वही बड़ी बात है टी स्कोर में, टी स्कोर को क्वालिफाई करना। तो हालांकि देखिए इस हिसाब से तो मेरा ये जो चारों टेस्ट है इसका तो क्वालिफाई है ही है, ठीक है, क्योंकि जो टी स्कोर होना चाहिए 40 या 42 होना चाहिए या 42 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब क्वालिफाई की टेंशन और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बस जो लोग कहते हैं कि अगर आपका CBT 2 मार्क्स कम है, ठीक है, तो टी स्कोर अगर वो साइको में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि साइको में एक अच्छा स्कोर करना टफ है, क्वालिफाई होना बड़ी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि जिसमें मेरे क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं, ठीक है, और या कुछ गलत हो गए हैं उसमें मेरा टी स्कोर ज़्यादा है, और स्पेटियल स्कैनिंग शॉर्टेज रूल में मेरा टी स्कोर कम है, बल्कि मैंने उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे क्वेश्चन मेरे राइट हैं। अब मैं सेकेंड वाले का आपको दिखाता हूँ कि उसमें टी स्कोर क्या है मेरा। अब देखिए मेरा यहाँ पे 126 स्कोर था आउट ऑफ 130, मेरा टी स्कोर बना था 222। अब मैं आपको तीसरा वाला दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको तीसरा वाला अटेम्प्ट यहाँ पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्कोर जो था 127 था आउट ऑफ 130, तो इसको ओपन कर लेते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे मेरा टी स्कोर जो है कम है, 220 है, और स्कोर मेरा ज़्यादा है उस सेकंड वाले से ज़्यादा है, ठीक है, और मेरा परसेंटाइल भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 95। अब मैं इसका टी स्कोर दिखाता हूँ, सेक्शनल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आएंगे नीचे तो टी स्कोर यहाँ पे सेक्शनल दिया है, तो देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट में 55 है, और सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में 57 है, और स्पेटियल स्कैनिंग में 53 है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट में, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में यहाँ पे 55 है। तो यहाँ पे भी मेरा चारों सेक्शन क्वालिफाई हो गया है। मैंने बताया ना जो पाँचवा सेक्शन है पर्सनैलिटी टेस्ट का, उसका यहाँ पे टी स्कोर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते, अब देखिए इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट में मेरे 33 क्वेश्चन राइट हैं आउट ऑफ 35, और सेलेक्टिव अटेंशन में 29 करेक्ट हैं आउट ऑफ 30, और इस शॉर्टेस्ट रूट में 40 करेक्ट हैं आउट ऑफ 40। तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में सारे क्वेश्चन मेरे राइट हैं यहाँ पे। तो आप टी स्कोर देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टी स्कोर जो इंटेलिजेंट टेस्ट का है, ठीक है, यहाँ जो पहला मैंने आपको इससे पहले दिखाया था उसमें मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, और सारे 35 के 35 सही थे, तो इस, लेकिन उसमें क्या था, मेरा टी स्कोर जो था इंटेलिजेंट टेस्ट में इस वाले से कम था, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है। तो इसको पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या कैलकुलेट हो रहा है। तो वही कह रहे, बस अपना मेहनत करते रहिए, आप अपना अच्छा प्रिपरेशन करते रहिए, आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, और लगभग सारे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो तभी आपका टी स्कोर एक अच्छा बन पाएगा, क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा स्कोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो अभी बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको टी स्कोर दिखा दिया, तो आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखिए लैपटॉप पे नहीं शो करेगा, ये ऐप पे ही शो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने भी यहीं से चेक किया है, इसलिए इसी से आपको मैं बता रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं शो करेगा टी स्कोर। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।